मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ के गृह नगर की पोहरी जनपद कार्यालय में कर्मचारियों की मनमानी का मामला सामने आया है। यहां जनपद ऑफिस में ज़्यादातर कर्मचारी कार्यालय में नहीं आते हैं और 12 बजे तक तो कार्यालय का ताला भी नहीं खुलता है। जब राज्य मंत्री के गृहग्राम की जनपद कार्यालय का ये हाल है तो अन्य जगहों पर क्या हाल होंगे। वहीं अध्यक्ष रामकलीबाई ने बताया कि शिकायत मिलने पर जब वे ऑफिस पहुंची तो 12 बजे तक ऑफिस का ताला तक नहीं खुला था। ताला खुलवाने के बाद में एक दो कर्मचारियों के अलावा कोई कर्मचारी कार्यालय में नहीं आए। साथ ही ज़्यादातर कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर पर पिछले 15 दिनों की उपस्थिति भी दर्ज नहीं की, पर उन्हें वेतन पूरे माह की मिली है। जब अनुपस्थित कर्मचारियों को पूरे माह की वेतन क्यों दी गई, इसकी जांच की जाएगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। मैं जाना पते गई और दस के बजे गई, फिर दस बजे तक कोई कर्मचारी नहीं आया, फिर 12 बजे मैंने रजिस्टर मांगो, फिर वहाँ में कोई कर्मचारी के सान मान कछु नहीं आते, फिर वो मंगाए के मैंने उनकी क्रॉस लगाई पूरे निकली, दो चार ही मिले एक दो, और बिने 15 दिन आते सान नहीं है रहे, और तनखा कैसे बन रही बिनकी और मिल रही महीना के महीना। फिर मैंने जिला सी ओते बात करी तो बिनते कही के जैके जनपद के कर्मचारी कि 12 बजे तक नहीं आते, तब 1 बजे लो आते हैं, और जिन तनखा कैसे बन रही है, फिर जिनकी कार्रवाई करी जाओ, फिर जिनकी तनखा भी कटना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।